हाय फ्रेंड्स, रोनित जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक, शानदार सेशन, जिसका नाम है वर्तमान में सभी कंपनियों के सीईओ। तो मैं इस वीडियो में सभी कंपनियों के, सभी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों के सीईओ को और बढ़िया जो जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, उसके मैं सीईओ को डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और रिक्वेस्ट आपसे करता हूं फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट हमें अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है। तो एप्पल कंपनी के सीईओ हैं फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन है, आप जवाब दे सकते हैं इसे कमेंट में भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स टिम कुक। तो एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ये रहा फ्रेंड्स, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो ये हैं सत्य नडेला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सत्य नडेला, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में एडोब के सीईओ कौन है। तो एडोब के सीईओ हैं फ्रेंड्स, ये हैं कौन? शांतनु नारायण। तो ये रहे फ्रेंड्स शांतनु नारायण, कौन है ये? एडोब के सीईओ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कोका कोला के सीईओ कौन है। तो कोका कोला कंपनी जो है फ्रेंड्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी है कोका कोला, तो उसके जो है सीईओ, उसके सीईओ हैं फ्रेंड्स जेम्स क्विंसी। ये हैं फ्रेंड्स जेम्स क्विंसी, और कोका कोला कंपनी के सीईओ कौन है? जेम्स क्विंसी, आपको ध्यान में रखना है ये। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्तमान में टाटा समूह के सीईओ कौन है। तो टाटा समूह के सीईओ हैं फ्रेंड्स, इनको दोबारा 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया सीईओ के रूप में। तो ये हैं एन चंद्रशेखरन, ये रहे एन चंद्रशेखरन फ्रेंड्स, जो कि टाटा समूह के सीईओ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ओला कैब के सीईओ कौन है। तो ओला कैब के सीईओ हैं फ्रेंड्स भावीश अग्रवाल। कौन है? भावीश अग्रवाल ओला कैब के सीईओ हैं। ये रहे भावीश अग्रवाल फ्रेंड्स, कौन है ये? ओला कैब के सीईओ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्तमान में उबर कैब के सीईओ कौन है। तो उबर भी एक कैब है फ्रेंड्स, जो कि यात्रियों को सुविधा देती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो उबर कैब के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं फ्रेंड्स दारा खोसरो शाही, इसके सीईओ हैं। ये रहे दारा खोसरो शाही फ्रेंड्स। तो दारा खोसरो शाही उबर कैब के सीईओ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं सबको फिगर के, उनके फोटो के माध्यम से याद करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। वर्तमान में एयर इंडिया के सीईओ कौन है। तो एयर इंडिया के सीईओ हैं फ्रेंड्स इल्कर आईची, इल्कर आईची एयर इंडिया के सीईओ हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एयर इंडिया के ये हैं इल्कर आईची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वर्तमान में पेप्सिको के सीईओ कौन है। तो पेप्सिको कंपनी के जो सीईओ हैं फ्रेंड्स, ये हैं रेमन लेंगुआर्ता। कौन है? रेमन लेंगुआर्ता, ये रहे रेमन लेंगुआर्ता फ्रेंड्स। तो ये हैं पेप्सिको के सीईओ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्तमान में बीएसएनएल के सीईओ कौन है। तो बीएसएनएल के सीईओ हैं फ्रेंड्स प्रवीण कुमार पुरवार, इसके सीईओ हैं बीएसएनएल के। ये रहे प्रवीण कुमार पुरवार, तो ये कौन है? बीएसएनएल के सीईओ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्तमान में मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है। तो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं फ्रेंड्स अजय पाल सिंह बग्गा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय पाल सिंह बग्गा, ये रहे अजय पाल सिंह बग्गा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ कौन है। तो इसके सीईओ जो हैं फ्रेंड्स, ये इसके सीईओ हैं विनोद कन्नन हैं। ये रहे फ्रेंड्स विनोद कन्नन, ये कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्तमान में सोनी कंपनी जो है फ्रेंड्स, तो सोनी कंपनी के सीईओ कौन है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स केंचिरो योशिदा, ये जापान के हैं फ्रेंड्स। तो ये हैं क्या? सोनी कंपनी के सीईओ हैं, ये हैं केंचिरो योशिदा, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सैमसंग के सीईओ कौन है। तो सैमसंग के सीईओ हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑप्शन है दिया हुआ है 4 ऑप्शन फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये तीनों हैं फ्रेंड्स किम ह्यून सुक, कोह डोंग जिंग और किम की नाम इसके सीईओ हैं। तो ये तीनों हैं फ्रेंड्स, ये तीनों क्या हैं? सैमसंग के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वर्तमान में नोकिया के सीईओ कौन है। तो नोकिया के सीईओ हैं फ्रेंड्स अभी
पेक लुंडमार्क हैं। नोकिया कंपनी जो है फ्रेंड्स, उसके सीईओ कौन है? पेक लुंडमार्क। नोकिया कंपनी कहाँ की है फ्रेंड्स, ये आपको कमेंट में जवाब देना है, नोकिया कंपनी। और यदि आप चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स, तो एक और रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर अवश्य कर दें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और किसी न किसी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में सीईओ और अध्यक्ष से पूछा ही जाता है प्रश्न, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एचपी के सीईओ कौन है? तो एचपी के सीईओ हैं फ्रेंड्स डियोन बेसलर हैं, एचपी के सीईओ। और आपको बताना है क्या कमेंट में, एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एचपी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में एयरटेल के सीईओ कौन है? तो ये है फ्रेंड्स एयरटेल के सीईओ, ये कौन है? गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल हैं एयरटेल के सीईओ, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई, जो कि वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गई थी कंपनी, तो वोडाफोन आइडिया के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं फ्रेंड्स रविंद्र टक्कर, इसके सीईओ हैं वोडाफोन आइडिया के, रविंद्र टक्कर सीईओ हैं, ये हैं फ्रेंड्स रविंद्र टक्कर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्तमान में टीसीएस के सीईओ कौन है? तो टीसीएस के सीईओ हैं फ्रेंड्स, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है फ्रेंड्स, तो इसके सीईओ हैं कौन? राजेश गोपीनाथ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में इन्फोसिस के सीईओ कौन है? तो इन्फोसिस के सीईओ है फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा सालील पारेख। सालील पारेख जो है फ्रेंड्स इन्फोसिस के सीईओ हैं, ये हैं सालील पारेख, ये पूछा गया था फ्रेंड्स पिछले एग्जाम में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? तो वॉलमार्ट के सीईओ जो हैं फ्रेंड्स ये हैं, ये कौन है फ्रेंड्स? वॉलमार्ट के सीईओ समीर अग्रवाल, वॉलमार्ट के सीईओ हैं। और आपको ये बताना है फ्रेंड्स, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का कितना परसेंट अधिग्रहण किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में अल्फाबेट INC गूगल के सीईओ कौन है? यानी गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ कौन है फ्रेंड्स? ये है भारतवासी सुंदर पिचाई। कहाँ के रहने वाले हैं ये आपको कमेंट में देना है जवाब। तो सुंदर पिचाई ये रहे फ्रेंड्स, ये गूगल के सीईओ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्तमान में IBM के सीईओ कौन है? तो IBM के सीईओ हैं फ्रेंड्स अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा IBM के सीईओ हैं, ये हैं अरविंद कृष्णा। और आपको बताना है क्या IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, IBM का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में अमेजन के सीईओ कौन है? तो अमेजन के सीईओ हैं फ्रेंड्स कौन है? एंडी जेसी हैं, अमेजन के सीईओ, ये आपको ध्यान में रखना है, अमेजन के सीईओ हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं फ्रेंड्स कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, फ्लिपकार्ट के सीईओ, ये है फ्रेंड्स कल्याण कृष्णमूर्ति, फ्लिपकार्ट के सीईओ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्तमान में ईबे कंपनी के सीईओ कौन है? तो ईबे कंपनी के सीईओ कौन है फ्रेंड्स, ये आपको जवाब में देना है, ये आपको कमेंट में भी आप दे सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन पड़े हुए हैं, आप बता सकते हैं कि ईबे के सीईओ कौन है। तो ईबे के सीईओ हैं फ्रेंड्स कल्याण समयाल, इसके सीईओ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्नैपडील के सीईओ कौन है? तो स्नैपडील के सीईओ हैं फ्रेंड्स कुणाल बहल हैं, स्नैपडील के सीईओ, ये हैं कुणाल बहल। और स्नैपडील जो है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्रेंड्स, उसके सीईओ हैं कुणाल बहल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो यूट्यूब एक बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स, वीडियो की बड़ी, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, तो इसके सीईओ कौन है? तो ये हैं सुसान वोजावस्की, ये रहे फ्रेंड्स सुसान वोजावस्की, तो ये हैं यूट्यूब के सीईओ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में OLX इंडिया के सीईओ कौन है? तो OLX जो है फ्रेंड्स, जो उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट को सेल खरीदी जाती है और बेची जाती है, खरीदी जाती है फ्रेंड्स, तो OLX इंडिया के सीईओ हैं जो फ्रेंड्स, ये हैं कौन? भविष अग्रवाल नहीं होंगे, ये गौतम टक्कर हैं OLX के सीईओ। कौन है? गौतम टक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में अलीबाबा जो कंपनी है फ्रेंड्स, एक ई कॉमर्स कंपनी है, चाइनीज कंपनी है फ्रेंड्स, तो इसके सीईओ कौन है? तो अलीबाबा कंपनी के सीईओ हैं डैनियल झांग। एक और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह का शानदार वीडियो लाते रहता हूं फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स की और जनरल साइंस की और GK GS की।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में फेसबुक के सीईओ कौन है? तो फेसबुक के सीईओ हैं फ्रेंड्स मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ हैं। ये रहे मार्क जुकरबर्ग फ्रेंड्स, और फेसबुक का लोगो कुछ इस ढंग के होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? तो ट्विटर के सीईओ हैं फ्रेंड्स पराग अग्रवाल, जो हाल ही फिलहाल में ही नियुक्त किया गया इन्हें। तो ये ट्विटर कंपनी है फ्रेंड्स, और ये हैं पराग अग्रवाल, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो व्हाट्सएप जो हम चलाते हैं फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप है फ्रेंड्स, तो उसके जो सीईओ हैं ये हैं बिल केथकोर्ट। कौन है? बिल केथकोर्ट, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? तो इंस्टाग्राम के सीईओ हैं फ्रेंड्स एडम मोसरी हैं, इंस्टाग्राम के सीईओ ये हैं फ्रेंड्स एडम मोसरी, जो कि इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विप्रो के सीईओ कौन है? तो विप्रो के सीईओ हैं फ्रेंड्स थियरी डेलपोर्ट हैं। कौन है? थियरी डेलपोर्ट, जो कि विप्रो के सीईओ हैं। ये रहे थियरी डेलपोर्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मिंत्रा के सीईओ कौन है? तो मिंत्रा कंपनी एक ई कॉमर्स कंपनी है फ्रेंड्स, तो इसके सीईओ कौन है मिंत्रा के? तो ये है अनंत नारायण। कौन है? अनंत नारायण, ये रहे अनंत नारायण फ्रेंड्स, जो कि मिंत्रा ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, वर्तमान में डेल कंपनी, जो डेल लैपटॉप की कंपनी है फ्रेंड्स, तो उसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं माइकल डेल, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये रहे माइकल डेल फ्रेंड्स, तो डेल कंपनी के ये सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में BMW जो कि एक फोर व्हीलर की कंपनी है फ्रेंड्स BMW, तो इसके फुल फॉर्म इसका क्या होगा, इसके सीईओ कौन होंगे फ्रेंड्स? तो इसके सीईओ हैं हेराल्ड क्राइगर हैं, ये रहे हेराल्ड क्राइगर, ये BMW कंपनी के सीईओ हैं हेराल्ड क्राइगर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इंटेल के सीईओ कौन है? तो इंटेल कंपनी है जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है फ्रेंड्स, तो इंटेल के सीईओ हैं ये पेंट ग्लेंसिंजर, इंटेल के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हार्ले डेविसन के सीईओ कौन है? तो हार्ले डेविसन के सीईओ हैं फ्रेंड्स माथेयू एस देवालिच, ये रहे फ्रेंड्स माथेयू एस देवालिच, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में याहू जो है एक सर्च इंजन कंपनी है फ्रेंड्स, तो याहू के सीईओ कौन है? तो याहू के सीईओ हैं फ्रेंड्स जिम लेजोंग, ये रहे जिम लेजोंग, तो याहू के ये सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विकिपीडिया के सीईओ कौन है? तो विकिपीडिया के सीईओ हैं फ्रेंड्स जिमी बेल्स, विकिपीडिया के सीईओ हैं जिमी बेल्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये हैं जिमी बेल्स फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ITC इंडिया के सीईओ कौन है? तो ITC इंडिया के सीईओ हैं फ्रेंड्स योगेश चंद्र देवेश्वर, ये रहे योगेश चंद्र देवेश्वर फ्रेंड्स, ये हैं ITC इंडिया के सीईओ, ये आपको ध्यान में रखना है सारे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, जो कि यदि आप अच्छी तरह से GK GS पढ़े होंगे फ्रेंड्स, यदि आप में कैपेसिटी है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में दें, यदि आप अच्छे तरह से GK GS और भूगोल अच्छे से पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र किसने बनाया, ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आपको कमेंट में देना है। इसका चार ऑप्शन है, आर्यभट्ट, अनेक्जीमेंडर, डगलस हार्वे, निकल्स कोल्ट। तो इसका सही जवाब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड का मैप है विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया, इसका सही जवाब आपको कमेंट में देना है फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, और मैं सारे वीडियो का प्लेलिस्ट